बहन दोस्तों, यूपी एएसआई की टाइपिंग का हमें इंतजार था बहुत बेसब्री से। कल इसके परसों आई थी टाइपिंग के लिए मेरिट लिस्ट, और उसमें हमने अपना नाम चेक करा तो अपना नाम नहीं मिल पा रहा उसमें, ठीक है। जबकि मैं DVPST दे करके आया था और DVPST में मुझे उसने क्वालिफाई उन्होंने कर दिया था, लेकिन अब जब हम टाइपिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहे हैं तो भाई नाम नहीं मिल रहा, बहुत दुख हो रहा है। बड़ी मेहनत करके मैंने वो एग्ज़ाम पास करा था, इस ही एग्ज़ाम पे मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड था। अब मैं समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूं, मुझे मन में मेरे और उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश कर रहा हूं अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा सा बर्डन से निकालने की, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब एक सपना जब टूटता है ना, बहुत दर्द होता है, ठीक है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोई रीज़न नहीं। अगर इन्हें बाहर ही निकालना था, हमें नहीं टाइपिंग लिस्ट में हमारा नाम देना था, तो फिर DVPST ही हमारा क्यों क्वालिफाई करा, हमें वहीं पे बोल देते। उसके बाद हमने भाई इतनी मेहनत करी, टाइपिंग कर रहे दिन रात दबा करके, ठीक है, सो भी नहीं रहे रात में, बगैर सो पूरी पूरी रात 8-8, 10-10 घंटे बैठ के हम क्या कर रहे थे, टाइपिंग कर रहे थे, ठीक है। और अब हमारा क्या हो गया कि DVPST के बाद जो मेरिट लिस्ट इन्होंने लगाई है उसमें क्या है, नाम नहीं दे रहे। क्या पता नहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके लिए अगर हाई अपर लेवल पे इसकी अपील कर सकूँ कि जो हमारे साथ ऐसा हुआ है वो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर किसी को कोई सोल्यूशन पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। पूरा फ्यूचर ही डिपेंड था, UPASI का पेपर पास करना बहुत बड़ी बात है। पेपर पास करने के बाद भी टाइपिंग की हमने तैयारी बहुत अच्छे से करी थी, अब आपके सामने है सारी चीज़ें, ठीक है। जबकि मेरे पास BTech की डिग्री थी, BTech है, और BTech में उसमें क्या था, वैलिड था हमारा, ओ लेवल की भी ज़रूरत नहीं थी, अप्रोक्सीमेट बताया गया था BTech को ओ लेवल के, ठीक है। तो भाई मेरी तो समझ से बिल्कुल दिमाग ना ख़राब हो गया, काम करना बंद कर गया, ठीक है। पता नहीं दिल में अजीब अजीब से दिमाग का ख्याल आ रहे हैं, कुछ ऐसा ना कर बैठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, आगे क्या होगा, आगे तो दिखाई दे रहा है या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई सजेशन महसूस हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्या है कि वीडियो पे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है, कमेंट करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी जो समस्या है उसका सोल्यूशन मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।